पृथ्वी पर कई ऋतुएं होती है, जैसे ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। बरसात का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है। समुंदर, नदी, बांध और झीलों में ये मौसम में पानी भर जाता है। पशु और पौधे भी पानी के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं। ये मौसम किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौसम में पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और पूरी ज़मीन हरी भरी और खूबसूरत हो जाती है। इस मौसम की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर करती है और हम बारिश का आनंद लेते हैं। आज ऐसे ही बारिश का आनंद लेने के लिए और प्रकृति का आनंद उठाने के लिए हम लोग आए हैं हमारे करीबी दोस्त के घर। उनका नाम है यादव बोहिर। हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह एरोली सेक्टर 9 और 10 में है। बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है। आसपास का परिसर हरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली और बीच में पानी, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। सामने की तरफ जो घर है वो घर भोईर जी का है। ये आसपास का सारा परिसर भोईर जी का है। भोईर जी इस जगह पे खेती भी करती है। बहुत सारी सब्जियां उन्होंने यहाँ पे लगाई हुए हैं, उनकी खेती उन्होंने यहाँ पे की है। अभी हम लोग जानते हैं उनसे उन्होंने क्या-क्या सब्जियों की खेती यहाँ पे की है। ये बघा, हे काकड़ से आहे, काकड़ से बी आहे। हाँ, पुढे आहे आपले आलू वडी। ही दीपिका मॅडम आलू वडी, ते आलू वडी। हे आहे कढीपत्ता आणि हे आहे वांगी आणि इकडे हे मूग आहेत, चवळी चवळी आणि हे मूग आणि इकडे हे दुधी झाड आहे। ज़्यादातर ऐसी खेती और ऐसी खुली जगह हम लोग को गांव की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन ये सारी जगह एरोली सेक्टर 9 और 10 की है। बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और आज का मौसम भी बारिश का है, इसके से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है।